सभी के बीच यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं खास तौर से यहाँ बैठी सभी बेटियों को तहे दिल से मुबारकबाद और दुआएं देता हूँ, जिन्होंने दोनों ही साल लड़कों से ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इन काबिल और होनहार बेटियों में समाज और देश के आने वाले कल की सुनहरी तस्वीर दिखाई पड़ती है। ये बहुत अहम इत्तेफाक है कि जामिया के लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार महिला चांसलर और वाइस चांसलर दोनों नियुक्त हुई हैं। दरअसल ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसके लिए मैं केंद्र सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सराहना करता हूँ। एक और संयोग है कि आपको दोनों वाइस चांसलर और चांसलर दोनों ही विशिष्ट महिलाएं हम नाम हैं और इनके नाम का मतलब होता है स्टार या सितारा। अपनी असाधारण सफलताओं और विशेषताओं के कारण आप दोनों स्टार से भी बढ़कर हमारी इन बेटियों के लिए गाइडिंग फोर्स की तरह है। महिला प्रतिभाओं की अमर यादगार में जामिया के कैंपस में ही उर्दू साहित्य की अजीम कलम निगार कुर्रत उल ऐन हैदर जैसी अदीबा की कब्र भी मौजूद है। मुझे यकीन है कि उनकी मिसाल और आप जैसी रोल मॉडल महिलाओं से प्रेरणा लेकर हमारी ये बेटियाँ भी कामयाबी की बुलंदियाँ चूमें। मुझे खुशी है कि कल 29 अक्टूबर को आप सबने अपना यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे मनाया। अगले साल आपकी यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, यानी आप अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। यह आप सभी के लिए अपने इतिहास, वर्तमान और आने वाले कल के बारे में संजीदगी के साथ गौरव फिक्र करने का भी उचित अवसर है। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, देश की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास के साथ जुड़ी है। विदेशी हुकूमत के खिलाफ चल रहे अहिंसापूर्ण आंदोलन के दौरान आज से ठीक 100 साल पहले वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद देश में स्वाभिमान और जागरण की एक नई लहर उठी थी। 1920 में असहयोग और खिलाफत आंदोलनों ने जोर पकड़ा तथा सामाजिक एकता और भाईचारे की भावनाओं को बल मिला। महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों से ये अपील की थी कि वे विदेशी हुकूमत की मदद से चलने वाले शिक्षण संस्थानों को छोड़ दें। साथ ही उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। जामिया तराना का एक मिसरा, जिसको हम सब लोगों ने सुना, जिसमें कहा गया था कि उठे थे सुन के जो आवाज़ें रह बराने वतन, जामिया के संस्थापकों के देश प्रेम को बयान करता है। स्वतंत्रता संग्राम का मार्गदर्शन करने वालों की पुकार सुनकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर एम ए अंसारी, हकीम अजमल खान और डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे लोग आगे आए और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। जामिया शिक्षा और पुनर्जागरण का माध्यम बना। यह धर्म, अध्यात्म, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण का केंद्र बना। जामिया हमारी साझा विरासत की मिसाल बना है। विद्यार्थियों, इस यूनिवर्सिटी की सहायता करने में महात्मा गांधी, सेठ जमनालाल बजाज और श्रीनिवास अय्यंगर जैसे लोग भी पूरी निष्ठा के साथ लगे रहे। जामिया ने सबको साथ लेकर चलने तथा अनेकता में एकता के सूत्रों को मजबूत करने की जो मिसाल पेश की है, वो हमारे देश और समाज की सही पहचान है। इस पहचान को बनाए रखना तथा इसे और भी अधिक मजबूत बनाना आप सभी विद्यार्थियों की खास जिम्मेदारी। आप सभी पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, महात्मा गांधी और डॉक्टर जाकिर हुसैन के सपनों को पूरा करने की भी जिम्मेदारी। प्रख्यात शिक्षाविद और मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गांधी जी के आदर्शों को शिक्षा व्यवस्था में ढालने का आजीवन प्रयास किया। वे सेवाग्राम,
बड़ा में स्थापित हिंदुस्तानी तालीमी संघ के अध्यक्ष भी रहे। महात्मा गांधी के आदर्शों को भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी फैलाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब में कितना उत्साह था, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वे जब जर्मनी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए थे, उसी दौरान उन्होंने जर्मन भाषा में डाई बुट सॉफ्ट देश महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी के संदेश नाम की एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह 22 वर्षों तक जामिया के वाइस चांसलर रहे। ऐसे महान शिक्षक और शिक्षा शास्त्री को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यह जामिया मिलिया इस जामिया से जुड़े हर व्यक्ति के लिए फख्र की बात है। मेरे लिए भी ये खुशगवार इत्तेफाक है कि मुझे बिहार का राज्यपाल बनने का अवसर मिला, जिस पद को जाकिर हुसैन साहब ने सुशोभित किया था। हम दोनों को ही राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। इस तरह वे राष्ट्रपति भवन के साथ साथ बिहार राजभवन में भी मेरे पूर्ववर्ती रहे। आज जाकिर हुसैन साहब जैसी अजीब शख्सियत के इदारे के इस जलसे में शिरकत करना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा देश एक नई ऊर्जा के साथ दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना रहा है। इस प्रयास में देश की 65% युवा आबादी का महत्वपूर्ण योगदान है। युवाओं के इस योगदान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जामिया जैसी संस्थानों को अहम किरदार निभाना है। आप जैसे युवाओं के ज्ञान और विवेक यानी इल्मो इदराक के बल पर हमारे देश को विश्व में और भी ऊंचा मुकाम हासिल करना है। शिक्षा का असली मकसद होता है इंसान को बेहतर इंसान बनाना। एक बेहतर इंसान जो भी करेगा वो अच्छा करेगा, वो चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, अधिकारी हो या समाज सेवा। मैं समझता हूँ कि बेहतर इंसान बनाने की बात ही जामिया तराना के इन अल्फाज में कही गई है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे सब में हिदायत है सिर्फ अपना ज़मीर, यहाँ पे सब में हिदायत है सिर्फ अपना ज़मीर यानी अंतरात्मा, अपना कॉन्शस ही सही राह दिखाने वाली रोशनी है, यही गाइडिंग फोर्स है। ज़मीर की आवाज़ में हमेशा सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, भाईचारा होता है, हर इंसान की बेहतरी का जज्बा होता है। इसीलिए जेहन के साथ साथ ज़मीर की रोशनी को बनाए रखना अच्छी तालीम की कसौटी होती है। मुझे यकीन है कि हमारा देश जेहन की ताकत से दुनिया की नॉलेज सोसाइटी में आगे की कतार में खड़ा रहेगा। साथ ही ज़मीर की रोशनी में हमारा समाज इंक्लूसिव